नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेट फूलने की समस्या क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं और इससे छुटकारा पाने के क्या उपाय होते हैं। तो दोस्तों, पेट का फूलना एक आम समस्या होती है और हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी पेट फूलने की समस्या जरूर होती है। पेट में गैस बनने या कब्ज होने पर ऐसा होता है और इसे अंग्रेजी में ब्लॉटिंग कहा जाता है। पेट में गैस बनने पर कब्ज होने लगती है और कब्ज की स्थिति में मल जो है वो आंतों में ही सड़ने लगता है और इस मल के शरीर से बाहर न निकलने पर पेट फूलने लगता है। व्यायाम संतुलित आहार से इस समस्या का निदान किया जा सकता है। अगर आपको किसी रोग के कारण पेट फूलने की दिक्कत हो रही है तो पहले उस रोग का उचित उपचार आपको करवाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि पेट फूलने के क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, पेट फूलना कई कारणों से हो सकता है। मुख्य कारण है आंतों में गैस बनना। अन्य कारण जैसे कि कब्ज, पेप्टिक अल्सर, गलत आहार, चिंता, धूम्रपान, वाटर रिटेंशन, गैस न निकलना, अपच होना, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होना वगैरह शामिल है। दोस्तों, बात की जाए सबसे पहले कि पेट फूलने की समस्या के लिए आपको फाइबर युक्त आहार नहीं खाना चाहिए। कई प्रकार के फल, सब्जियां और फलियां हैं जिनमें कि फाइबर होता है, तो अतिरिक्त फाइबर का सेवन गैस के गठन का कारण होता है और आंतों के कामकाज को रोकता है और ऐसे भोजन को अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ आपको फास्ट फूड भी नहीं खाना चाहिए। जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं, खाने के दौरान बात करते हैं, बुरी तरह चबाते हैं या कार्बोनेटेड पेय पीते हैं, बबल गम को चबाते हैं या धूम्रपान करते हैं, तब हम अतिरिक्त हवा को निगलते हैं। ये खतरनाक तो नहीं है लेकिन ये हमारे पेट में अधिक गैस का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ आपको फैटी आहार से बचना चाहिए। फैट युक्त भोजन जैसे कि फास्ट फूड और फैटी मिठाई भारी भोजन होते हैं जो कि पाचन के दौरान पेट में ही रह जाते हैं, तो इस तरह के भोजन को पचाने में पेट को कठिनाई होती है जिसके कारण ये अधिक गैसों का उत्पादन करता है। यदि आप कम फैट का सेवन करते हैं तो आप जो है कम पीड़ा और असुविधा महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको खाली पेट शराब नहीं पीना चाहिए। शराब जो है वो गैस्ट्रिक एसिड के उत्पादन को बढ़ाती है। खाली पेट शराब पीने पर ये गैस्ट्रिक एसिड अपने काम को धीमा कर देता है और लगातार खाली पेट शराब पीने पर ये पेट और आंतों के माइक्रोफ्लोरा को मार देता है। यदि आप शराब पीते हैं तो ध्यान रखें कि कभी भी खाली पेट शराब नहीं पीनी चाहिए। साथ ही साथ आपको खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। जब हम भोजन के दौरान पानी या कोई भी पेय पीते हैं तो ये गैस्ट्रिक एसिड और उन एंजाइम्स को कम करता है जो कि पाचन के लिए ज़रूरी है, तो इसीलिए भोजन को पचने में ज़्यादा समय लगता है और पेट में गैस का गठन बढ़ जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे पेट फूलने के इलाज के बारे में। तो फूले हुए पेट को ठीक करने का एक अच्छा तरीका है गैस को निकालना, लेकिन अगर तब भी आपको सूजन से छुटकारा नहीं मिल रहा है तो कुछ सरल घरेलू उपायों से आप ये समस्या दूर कर सकते हैं। सबसे पहला है अदरक की चाय। अदरक एक प्राकृतिक मसाला है जो कि पेट को शांत करता है और गैस के गठन और आंत्र संबंधित गतिविधि को कम करता है। ये रक्त को पतला करता है और इसके परिसंचरण में सुधार करता है और इसके लिए आप अदरक की चाय का सेवन करें। साथ ही साथ आप नींबू पानी का प्रयोग कर सकते हैं। गर्म पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है क्योंकि यह शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है और साथ ही शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। नींबू में विटामिन बी, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के गुण होते हैं जो कि पाचन क्रिया के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा नींबू में मौजूद अम्लीय गुण हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं जिसमें कि भोजन को पचाने में मदद मिलती है। तो जब आप पानी और नींबू को एक साथ मिलाएंगे तो ये आपके पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। गर्म नींबू पानी पीने से आपको सूजन, गैस और कब्ज से राहत मिलती है। पेट की सूजन आपके दैनिक कार्यों को प्रभावित करती है लेकिन इन उपायों की मदद से आप अपना पेट एकदम ठीक रख सकते हैं। हालांकि अगर ये स्थिति बहुत पुरानी है तो इसमें दवा, आहार और जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता पड़ती है। और इसके अलावा अगर स्थिति ठीक नहीं होती है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। साथ ही साथ आप केला खा सकते हैं। केला जो है वो फाइबर का एक अच्छा स्रोत होता है जो कि कब्ज से जुड़ी पेट की सूजन और गैस को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा केले में पोटेशियम मौजूद होता है और ये खनिज शरीर में मौजूद फ्लूइड को नियंत्रित रखता है और पेट की सूजन की समस्या में आराम पहुंचाता है। अगर आप केला रोजाना खाते हैं तो आप पेट की सूजन को कम कर पाएंगे। आप इसे स्नैक, फल के सलाद या फिर डेजर्ट की तरह खा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, चारकोल की गोलियाँ भी इसमें उपयोगी हो सकती है। चारकोल में छिद्र युक्त होता है जो कि पेट में हवा और पानी को निकलने में मदद करता है। पेट में इन्फेक्शन की वजह से आंतों में पनपने वाली गैस को चारकोल दूर करता है। चारकोल की दवाइयां आपको टैबलेट, कैप्सूल और पाउडर के रूप में दुकानों पर मिल जाएंगी, लेकिन इन्हें लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात जरूर कर लें।
साथ ही साथ आप चक्रफूल का उपयोग कर सकते हैं। चक्रफूल में एंटीस्पाज्मोडिक गुण होते हैं जो कि पाचन तंत्र में आराम पहुंचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद कार्मिनेटिव प्रभाव पेट की गैस को बनने से रोकता है और पेट की सूजन को दूर करता है, और इस जड़ी बूटी के फायदेमंद प्रभावों को प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है चक्रफूल का मिश्रण पीना। एक रिसर्च के अनुसार छोटे बच्चों को चक्रफूल से बनी चाय उल्टी, बेचैनी और तेजी से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं चक्रफूल का इस्तेमाल ना करें। साथ ही साथ कद्दू की बात की जाए तो कद्दू का सेवन पेट फूलने के साथ साथ सूजन के लिए भी बेहद फायदेमंद है। कद्दू में विटामिन ए, पोटेशियम और फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो कि पाचन क्रिया के लिए बेहद लाभदायक है। एक कप कद्दू को अपने रोज के खाने में जरूर मिलाएं, इससे आपके पेट की सूजन और गैस को निकालने में मदद मिलेगी। आप इसे स्टीम, सेक या भूनकर या फिर अन्य सामग्रियों को मिलाकर खा सकते हैं। और साथ ही साथ जीरे की बात की जाए तो जीरे में एंटीस्पाज्मोडिक के गुण होते हैं और इसके साथ ही एंटीमाइक्रोबियल और कार्मिनेटिव के प्रभाव भी इसमें शामिल होते हैं। कार्वोल और कार्वेन केमिकल जीरे के बीज में मौजूद होते हैं जो कि पाचन तंत्र की मांसपेशियों को, टिश्यूज को आराम पहुंचाते हैं और पेट की सूजन की वजह से बनने वाली गैस को भी निकालने में मदद करते हैं। तो बात की जाए कि इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, तो अगर आप बार बार सूजन से पीड़ित होते हैं तो पूरे दिन में कई बार कुछ जीरे के बीज को चबाएं। अगर जीरे के बीज का स्वाद आपके लिए स्वादिष्ट नहीं है तो आप जीरे से बने बिस्कुट भी खा सकते हैं, और इसके अलावा आप जीरे की बीज की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। साथ ही साथ बात करें कैमोमाइल चाय की, तो कैमोमाइल चाय एक और घरेलू उपाय है जो कि सूजन को कम करने में मदद करती है, और इस हर्बल चाय में सूजन रोधी और एंटीस्पाज्मोडिक के गुण होते हैं जो कि पेट की सूजन में राहत पहुंचाते हैं और साथ ही सीने की जलन को भी कम करते हैं। तो सबसे पहले तो एक कप पानी उबालें और अब इसमें कैमोमाइल चाय के बैग को डाल दें और अब इस बर्तन को ढक दें और 10 मिनट तक इसे जरूर उबालें। चाय बनने के बाद इसे धीरे धीरे पिएं और इस चाय का इस्तेमाल पूरे दिन में 2 या 3 बार जरूर करें। और बात की जाए अदरक की, तो अदरक एक प्रसिद्ध जड़ी बूटी है जिसका उपयोग गैस और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है, और इसमें कई सक्रिय सामग्रियां मौजूद होती हैं जिसे कि जिंजरोल और शोगोल जो कि आंत की सूजन को कम करती है और आंत की मांसपेशियों को आराम पहुंचाने में मदद करती है। इसका इस्तेमाल आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहले तरीके में 5 से 6 अदरक के टुकड़ों को काट लें और फिर उन्हें गर्म पानी में डाल दें, बर्तन को ढक दें और 10 मिनट के लिए इसे उबलते रहने दें। उबलने के बाद उसमें शहद मिलाएं और पी जाएं, और इस मिश्रण का इस्तेमाल पूरे दिन में 3 बार जरूर करें। दूसरे तरीके में इसके अलावा आप 1 चम्मच पीसी अदरक को खाना खाने से पहले खाएं, और आप अदरक की जड़ों को पीसकर अपने खाने में भी डाल सकते हैं। और पीसी हुई जो अदरक है वो वयस्क जो है उसकी जड़ को रोज़ाना 0.25 से 1 ग्राम ले सकता है। और बात की जाए पुदीने की, तो दोस्तों पुदीने में मेंथोल ऑयल होता है जिसमें कि एंटीस्पाज्मोडिक गुण होते हैं जो कि मांसपेशियों को आराम देने में मदद करते हैं। ये जठरांत्र, पित्त नली और पित्ताशय की थैली में ऐंठन को दूर करता है। तो पेट की सूजन से राहत पाने के लिए आप कुछ पुदीने की पत्तियों को चबा सकते हैं, और इसके अलावा पुदीने की चाय के बैग को गर्म पानी में 10 मिनट के लिए रख दें और फिर इसे पी जाएं, और इस चाय का इस्तेमाल पूरे दिन में 2 या 3 बार जरूर करें। और साथ ही साथ बात की जाए सौंफ के बीज की, तो सौंफ के बीज पाचन समस्याओं के लिए बहुत प्रभावी होते हैं। इसमें मूत्रवर्धक, दर्द कम करने और माइक्रोबियल गुण शामिल होते हैं। सौंफ के बीज पाचन तंत्र में मांसपेशियों की ऐंठन और पेट की सूजन से राहत दिलाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों खाना खाने के बाद कुछ सौंफ के बीज को चबाएं, 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच सौंफ के बीज को मिला दें और अब इसे ढक दें और 5 या 10 मिनट के लिए उबलने को रख दें, और अब इस मिश्रण को छान लें। इसे पूरे दिन में 2 या 3 बार जरूर पिएं। बात की जाए नींबू पानी की, तो आप भोजन में 15 से 30 मिनट पहले 1 गिलास गर्म पानी में नींबू मिलाकर पिएं। ये गैस्ट्रिक एसिड के स्त्राव को सामान्य बनाने में मदद करता है और सीने में जलन के लक्षणों से राहत दिलाता है, और साथ ही आंत में डकार और गैस के निर्माण को भी रोकता है। और बात की जाए मसाज की, तो कुछ पॉइंट्स पर मालिश करने से ब्लॉटिंग यानी कि पेट के फूलेपन से छुटकारा मिल सकता है। गैस की गठन को कम करने और पेट को राहत देने के लिए आप कुछ तरह से मालिश कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी 4 उंगलियों को नाभि के से ऊपर रखें और अब अपनी ऊपरी उंगली के ऊपर जो पॉइंट है उसे अपनी उंगलियों से 2 से 3 मिनट के लिए घड़ी की दिशा में और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में मालिश करें। यदि आपने सब कुछ सही ढंग से किया होगा तो आप अपने मुँह में एक खट्टा स्वाद महसूस करेंगे और आपके लार में भी वृद्धि होगी। पानी के प्रति धारण को खत्म करने और पेट दर्द को दूर करने के लिए आप जो है कुछ किसी एक तरह से मालिश कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी नाभि से ऊपर अपनी दूसरी अंगुली को रखें और अब आप उसके ऊपर जो पॉइंट है उसे दबाकर 2 से 3 मिनट के लिए घड़ी की दिशा में और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में मालिश करें। और बात की जाए कि आंतों की गतिविधि में वृद्धि के लिए और पेट का भारीपन दूर करने के लिए कैसे मालिश करोगे, तो आप अपनी 4 अंगुलियों को नाभि के नीचे रखें और छोटी अंगुली के नीचे जो पॉइंट है उसे 2 से 3 मिनट के लिए घड़ी की दिशा में और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में मालिश करें। यदि आपने सब कुछ सही ढंग से किया होगा तो ये आपको गैस से छुटकारा दिलाने में मदद करता है।
स्वस्थ व्यक्ति में पेट के फूलने के कई कारण हो सकते हैं और ये आपके भोजन और पेट की क्रियाओं से भी संबंधित होते हैं और इसके लिए आप जो है कुछ बातों का ध्यान रखकर पेट के फूलेपन को कम कर सकते हैं। और बात की जाए ध्यान लगाने की, तो चिंता और तनाव से आंतों के कामकाज पर प्रभाव पड़ता है और इससे बचने के लिए आपको ठीक से आराम करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आपको 15 से 20 मिनट का ध्यान करना चाहिए जो मन, पेट और हार्ट को शांत करता है और रक्त परिसंचरण को सामान्य करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।